हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, चाहे वो इसमें दिए हुए हैं वाज वर या कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब्स हों, उनको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ लगा देंगे? सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमें इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये हिंदी में क्या वर्ड से प्रश्न बनता है? इससे किससे क्या 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 से प्रश्न बनाना हो, है ना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि क्या से प्रश्न बनाना हो तो आवश्यकता अनुसार वाज अथवा वर या कोई और भी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि प्रेजेंट में इज एम आर, है ना, हैज हैव, फ्यूचर के लिए शैल विल, तो वाज वर से वाक्य चालू करना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। पास्ट के लिए है ये तो केवल वाज वर से शुरू, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, अफर्मेटिव से यू वर ए प्लेयर, तो क्या करना पड़ेगा, वर को आगे कर देंगे, तो वर यू ए प्लेयर, है ना, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सी वॉज इल, तो वॉज को हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, तो वॉज सी इल, वॉज सी इल क्वेश्चन मार्क। तो आई वॉज ए बॉय अफर्मेटिव है, तो वॉज को हम क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे, तो वॉज आई ए बॉय, ऐसे बन जाएगा। इसको ही वॉज योर स्टूडेंट के लिए क्या कर देंगे, वॉज को आगे कर देंगे, तो वॉज ही योर स्टूडेंट और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। दे वर एबसेंट, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर दे एबसेंट, क्या वे एबसेंट थे, ऐसे, है ना। सी वॉज राइटिंग, तो वॉज को आगे कर दीजिए, वॉज सी राइटिंग, क्या वह लिख रही थी, ये आ जाएगा, क्या से शुरू हो रहा है वर्ड, सेंटेंस हिंदी में किससे शुरू हो रहा है, क्या से। और जो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होते हैं कोई भी क्वेश्चन, उसका जो आंसर आता है वो किस में आता है, यस और नो में ही आता है, किस में आता है, यस और नो में। सीता वॉज डांसिंग, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव, वॉज को आगे कर देंगे, वॉज सीता डांसिंग, वॉज सीता डांसिंग, क्या सीता डांस कर रही थी, तो उसका आंसर किस में आएगा, यस और नो में। ऐसे ही राजू वॉज वीपिंग, तो वॉज को आगे कर दीजिए, तो वॉज राजू वीपिंग, क्या राजू रो रहा था, तो इसमें आंसर किस में आएगा, यस और नो में, या तो यस आंसर आएगा या नो, हाँ और ना में ही जवाब आते हैं। द टीचर वॉज प्लेइंग, है ना, तो वॉज को हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, तो वॉज द टीचर प्लेइंग। दे वर लाफिंग, तो यहाँ पे वर दे लाफिंग, तो वर कैसे आ गया, जो ये वर है उसको आगे कर देंगे, तो देखिए आगे कर दिया हमने वर दे लाफिंग, तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हो गया सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब। तो इनसे हम शुरू करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, तो उसका जो रिप्लाई होगा, आंसर आएगा, वो यस और नो में ही आएगा। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए लेसन के साथ में नई वीडियो में, तो देखते रहिए।